जय गुरुदेव। सभी प्यारे दोस्तों को आज की कक्षा में आपके एल एन वी रमणा की शुभ स्वागत। प्यारे बच्चों, इपड़ो पाठ्यधर में टूटी पत्तियां ये पाठ सारांशम తెలుసుకుందాం। ఇది రెండు భాగాలుగా ఉంది। పైన ప్రసంగ దీన్ని కసోన దూసర ప్రసంగ జీన్కి దేన్ ఇది దేని చదివిడిగా వచ్చిన ఇందులో చూసుకొని చక్కగా రాయండి। మొత్తం కలిపి రాయాల్సి వచ్చిన ఇక్కడ చక్కటి సారాంశం ఉందరా। పాఠకనామ పతజర్ మే టోటి పత్తియా లేఖక్ రవీంద్ర కేలేకర్। पाठ का पहला प्रसंग गिरने का सोना। शुद्ध आदर्श की तुलना शुद्ध सोने से की गई है क्योंकि शुद्ध आदर्श खरे और मूल्यवान होते हैं, इनमें मिलावट नहीं होती। व्यावहारिकता की तुलना तांबे से की गई है क्योंकि तांबे के मिश्रण से सोने में चमक और मजबूती आती है, लेकिन सोने की कीमत कम हो जाती है। आदर्शों को व्यावहारिकता के साथ मिलाकर उपयोगी बनाया जा सकता है। कुछ लोग अपने चरित्र में तांबा यानी मिलावटी व्यवहार मिला लेते हैं। केवल व्यवहारवादी लोग गुणवान लोगों को भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। समाज की उन्नति सही मायने में वही मानी जा सकती है जहां नैतिकता का विकास हो। आदर्श को व्यावहारिक बनाने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। अब पाठ का दूसरा प्रसंग झेल की देन। इस पाठ में लेखक ने जापान की एक खास तरह की टी सेरेमनी का वर्णन किया है। यह एक ध्यान की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक कुटिया में तीन लोगों को बिठाया जाता है और उनके सामने चाय परोसी जाती है। इस दौरान कुटिया में शांत वातावरण होता है और कोई किसी से बातचीत नहीं करता। इस शांत वातावरण में धीरे धीरे चाय पीने से मस्तिष्क विचार शून्य हो जाता है और व्यक्ति अपने भूत और भविष्य के ख्यालों को भूलकर वर्तमान में जीता है। इसका उद्देश्य है कि हमें ज्यादा काम और आकांक्षाओं से बचकर वर्तमान में जीना चाहिए। इस पाठ के जरिए लेखक रविंद्र केलेकर यह संदेश देना चाहते हैं कि ज्यादा काम और आकांक्षाओं से तनाव बढ़ता है। ज्यादा पाने की लालसा में व्यक्ति का सहज रूप खो जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए जीवन को सहज बनाए रखना जरूरी है। हमें भूत और भविष्य में जीने की अपेक्षा वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। वर्तमान ही एकमात्र सच होता है। भूत और भविष्य दोनों एक भ्रम के समान है। हमें अपने भूत और भविष्य की चिंता न करते हुए केवल अपने वर्तमान को सुधारना चाहिए। ठीक है।